Yo, what's up guys, so hope so you are well and good and again welcome to my channel MG Throttle। तो आज भाइयों कुछ ऐसा हुआ यार कि आज मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि क्योंकि एक ब्लॉग पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। तो आज एकदम से दोबारा मुझे ब्लॉग बनाना पड़ गया, क्योंकि आज एकदम से हाँ बात हो रही थी जोयल भैया मेरी की बाइक की सर्विस को लेके, क्योंकि पल्सी की थर्ड सर्विस कंप्लीट मैंने नहीं कराई है कंपनी से, तो उसको लेके कुछ बात चल रही थी। तो पता चला कि मैंने गाड़ी में कई सारी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि आपने मेरी संडे राइड की वीडियो में देखा था, गाड़ी 107 से ऊपर नहीं जा रही थी और प्लस हीट कर रही थी, तो ये दिक्कतें आ रही थी सामने तो गाड़ी में। तो मैंने गौरव भैया से बात करी थी कि भैया ऐसी ऐसी बात है यार, काफ़ी दिक्कत दे रही है गाड़ी। तो गौरव भैया बोले कि यार सर्विस के लिए आइयो, सर्विस कर देंगे। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ गौरव भैया के शॉप पर, बाइक टाउन, तो वहीं पे अपनी पहले बाइक की सर्विस कराते, देखते हैं क्या क्या चार्जेस निकलते हैं और क्या क्या चीज़ होनी है और गाड़ी में। तो चलिए फिर हम लोग वहाँ पे चल के हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस आप लोग नोटिस कर सकते होंगे कि यार मैंने अपनी बाइक में कुछ ऐसा कराया है या कराया है गौरव भैया के शॉप से कल, कि आपको गाड़ी की आवाज़ अभी अभी तो नॉर्मल आ रही है, अभी आप थोड़ी देर बाद आपको कुछ डिफरेंट साउंड ही आपको सुनाई देगी। तो अभी रोड पे लेके चलते हैं आपको, फिर सुनाते कि क्या आपको आवाज़ चेंज लगती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ चेंज हुई हुई है। तो अभी चलते हैं, पहले इसमें फ्यूल पड़वाते हैं 100 रुपीज़ का, क्योंकि यार अभी उतनी नीड है। आप ज़रूर बताइएगा कि मैं ऐसी ही गाड़ी की आवाज़ रखूं या इसे दोबारा से फिर से स्टॉक बना दूं। तो यहाँ से अपने लोग पहले आवाज़ सुना देते हैं आपको। पेट्रोल पड़वाते हैं हम लोग। यहाँ से अब जो गाड़ी की आवाज़ मैंने करवाई है, तो आप ज़रूर से नोटिस करिएगा कि आपको अच्छी लगती है या बुरी। अगर अच्छी लगे तो आप बताइएगा कि मैं इस वॉइस को ऐसे ही रखे रहूँ या और इसको चेंज करा दूँ, कि जैसे पहले बाइक की थी आवाज़ वैसे ही रहनी चाहिए। तो बताइएगा, तब तक आप एंजॉय करिए राइड। तो भाई साहब कैसी लग रही है आपको यार गाड़ी की वॉइस, तो ज़रूर बताइएगा भाई, क्योंकि भाई आप कमेंट करिए भाई कि यार यही आवाज़ रहने दूँ या इसकी बाइक की आवाज़ चेंज करवाऊँ। तो अगर आपको और लाउड वॉइस चाहिए इसकी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो उसका भी मैं ज़रूर कोई सोल्यूशन निकालूंगा वॉइस को और लाउड करने की। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे तो यह सफिशियंट लग रही है। तो अपने एक राइडर भाई भी इधर ही बैठे हुए हैं। क्या हाल चाल भैया? देखो यार भाई, देखो अगर हो रही तो संयम के हाथ में, मतलब कहाँ पर गाड़ी लग रही है? कैसे भैया? बढ़िया है भैया। हाँ थैंक्स भैया। हाँ तो वैसे अपने लोग का यहाँ पे गाड़ी के इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो इंजन ऑयल बिल्कुल बर्न हो चुका है यार, तो इसको चेंज करना ज़रूरी था। अगर आप इसको चेंज नहीं कराओगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। इसके बाद हमने इसका स्पार्क प्लग चेक किया, फिर उसके बाद स्पार्क प्लग भी बिल्कुल सही था, बढ़िया तो ओके था, पर एक दिक्कत हमारे सामने आ गई जो इस बारे में बताऊंगा। ये देखिए, ये जो है क्लच प्लेट की लेदर कटी हुई है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस, मतलब बहुत ज़्यादा ये ख़राब है कि आपकी क्लच प्लेटें इससे ख़राब हो जाती है। हम डिस्क क्लीन करते हैं यहाँ से, और भैया ने डिस्क क्लीन करा, फिर उसका फिल्टर साफ है, और इसके बाद हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं बाइक में फुल्ली। देखिए मतलब गाड़ी की सर्विस बहुत अच्छे तरीके से हुई, प्लस
बेस्ट इंजन ऑयल जो है वो आपकी बाइक के लिए कैस्ट्रॉल का अल्टीमेट गोल 10W50। आप इसको अपनी बाइक में डालें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 744 की है, तो आप जरूर इसको यूज़ करिएगा। इससे अब आपकी बाइक की लाइफ और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो यार बात करते हैं उसकी, तो एक टाइम पे मैं इसकी भी अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको कंपनी में सर्विस करानी चाहिए या नहीं, तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो डालूंगा। तो उसी वीडियो में मिलेंगे, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे जब। तो तब तक के लिए अभी हमारी बाइक की सर्विस हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट, और तब तक के लिए सही हो गए, बस क्लच प्लेट का डिफेक्ट है, वो तो ठीक हो जाएगा।